अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे वाले सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे घंटी के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में मेरी वीडियोज़ को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं और अपने क्वेश्चंस एंड क्वेरीज भी कमेंट सेक्शन में शेयर करें। यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। आज की वीडियो कुकिंग से ज़रा हटके है, कुछ शॉपिंग के बारे में है। कल मैंने कुछ शॉपिंग की थी जिसकी अनबॉक्सिंग मैं आप लोगों के सामने करूंगी और आप लोगों से भी शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। उम्मीद है आप लोगों को भी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। तो ये हैं आई लैशेज, 5D आई लैशेज हैं ये। मैंने 2 पेयर्स ये लिए हैं। ये अच्छी आई लैशेज है, इकोनॉमिकल प्राइस में ये अच्छी आई लैशेज है क्योंकि ऑनलाइन इसी तरह की आई लैशेज बहुत महंगी सेल हो रही हैं। इस तरह से इसका वॉन्ड है, ये देखिए थिकनेस लगी हुई बहुत प्यारी लगती है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप इस तरह की बाय करना चाहें तो जी। तो ये है क्लिंजर जो मैंने रूटीन से हट के जो मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, ये मैंने कुछ डिफरेंट ट्राई करने के लिए लिया है। इसे मैं ट्राई करूँगी और फिर आप लोगों को बताऊँगी कि ये किस तरह का है, फिर रिव्यू करूँगी इसके बारे में। मैं ख़ुद इसे फ़र्स्ट टाइम यूज़ करूँगी। ये है डर्मासेंस का एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल स्किन के लिए बहुत अच्छा है लेकिन डर्मासेंस का एलोवेरा जेल मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। इसे भी ट्राई करके आप लोगों को रिव्यू ज़रूर दूंगी। ये है मॉइस्चराइज़र, ये भी सैलून यूज़ के लिए है। ये विंटर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और ये है डर्मासेंस का क्ले मास्क, इसका भी रिज़ल्ट अच्छा है। और ये है टोनर, टोनर भी ये वाला बहुत अच्छा है, अगर आप लोग बाय करना चाहें तो ज़रूर करें। ये है सिल्की कूल फेस स्किन एक्सफोलिएटर, इसकी भी बहुत तारीफ़ें सुन के इसे लेके आई हूँ लेकिन ट्राई करके फिर आपको बताऊँगी। ये 1000 प्लस का है मेरे ख्याल से, 1000 समथिंग इस तरह से इसके प्राइस है। ये है ग्लैमरस का कॉम्पैक्ट परफेक्ट नेचुरल यूवी ऑयल फ्री फाउंडेशन 2-way केक, यानी आप इसे 2-way केक उसे कहते हैं जो आप इसे वेट भी करके यूज़ कर सकते हैं स्पंज को और ड्राई भी यूज़ कर सकते हैं। ग्लैमरस का जो फेस पाउडर है और जो इनकी प्रोडक्ट्स हैं वो नॉर्मल रेंज में अच्छी प्रोडक्ट्स देते हैं। ये शेड है 02, मैं 02 लाई हूँ जो नेचुरल शेड है, ज़्यादा फेयर नहीं है ये। आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग इसका शेड चेंज कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। ये छोटू छोटू से प्लांट्स हैं, आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं, बहुत छोटे से हैं। देखिए मेरे हैंड के मुताबिक इसका साइज़ देखें, बहुत छोटा सा है लेकिन मुझे बड़े क्यूट से लगे अपने किचन के लिए, ये लेके आई हूँ। ये है ट्वीज़र और ये लेके आई हूँ तो आपको पता ही है यूज़ होता है। और इसके अलावा ये शॉपकीपर ने मुझे दी है 3DX ब्लीच, इसका बॉक्स खोलते हैं। एक हैंड से बॉक्स खोलना ज़रा मुश्किल है। इसमें इस तरह से ये पेपर है जिसके ऊपर इसके इंस्ट्रक्शंस हैं और इसकी कुछ तारीफ़ें की गई हैं कि कितना अच्छा है, यूज़ करने में पता चलेगा कि कितना अच्छा है। यूज़ करने के बाद आपको बताऊंगी कि क्या रिज़ल्ट है इसका। ये हैंड एंड फीट के लिए ज़्यादातर यूज़ करती हूँ ये, लेकिन मैं 3D क्रीम ब्लीच पहली बार यूज़ कर रही हूँ। यूज़ करके आपको ये बॉक्स में एक बड़ा सा जार है, 2 इसके एक्सेलेटर हैं और ये इस तरह से ब्लीच का बहुत बड़ा सा जार है। और बस इस तरह से ये कुछ इस पैक में से निकलता है, इसको कर देते हैं साइड पे जी। ये लेके आई हूँ शेफर की 2 पाउडर बेस हैं, इसे भी ट्राई करके फिर बताएंगे इसका कैसा रिज़ल्ट है। वैसे शेफर अच्छी कंपनी है। और जैसे कि विंटर आ चुका है तो ये कुछ सॉक्स हैं, ये इनका डिज़ाइन है, ज़्यादा डिज़ाइन नीचे बना हुआ है सारा लेकिन चले कोई नहीं, फ्लोरल प्रिंट्स अच्छे लगते हैं। ये है पिंक फ्लावर्स में, ये बहुत प्यारा प्रिंट है। हॉट सॉक्स लिखा हुआ ऊपर। और ये वाटरमेलन प्रिंट में, ये भी अच्छा लग रहा है, कलर भी नाइस है।
ये फोर पेयर्स लिए थे, ये स्पैचुला बीच में घूम रहा है, और ये हो गया। ये कुछ हेयर एक्सटेंशंस हैं जो ब्राइड्स के लिए चाहिए थी, वो लिए हैं। एक ये शेड लिया है और एक ये शेड लिया है, दोनों ही स्ट्रीक्स जैसे शेड हैं, लेकिन ये मुझे अच्छी लगे हैं। दोनों शेड आजकल लेना है, तो ये और शेड है और ये और शेड है। ये थोड़ा लाइट ब्राउन में है, ये थोड़ा डार्क ब्राउन है, लेकिन टू टोन शेड्स में है। ये देखें स्ट्रीक्स इफेक्ट दे रहा है। ये ब्राइड्स के हेयर स्टाइल में यूज़ होते हैं। और हैं जी ये हैं 3D लैशेस, ये ब्राइडल और पार्टी मेकअप दोनों के लिए चल जाते हैं, ये भी अच्छी हैं। नेल्स लिए हैं ऑटोमेटिक के, ये सिंपल वाली हेयर पिंस हैं, ये जूड़ा पिन है। जूड़ा पिन आपको खोल के दिखा देती हूँ, जो लोग यूज़ करते हैं उनको तो पता होगा, लेकिन जो नहीं यूज़ करते उन्हें नहीं पता होता। इसमें दो तीन स्टाइल आते हैं, ये है इसका साइज और इसका स्टाइल। इसमें इतनी छोटी वाली भी आती है। ये कुछ हेयर बंस है, ऐसे नहीं पता चलेगा, पैक करके दिखाती हूँ। इन्हें डोनट्स भी कहते हैं और हेयर बन भी कहते हैं, इस तरह से ये होते हैं। लेकिन ये जो पहले ज़माने में जूड़े चलते थे उससे बहुत बेस्ट है, क्योंकि वो हैवी भी थे और वो हार्ड भी बहुत थे। इसमें पिंस भी इजीली एडजस्ट हो जाती हैं और वॉल्यूम भी आ जाता है जूड़े में बहुत ज़्यादा, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और ये कुछ सेफ्टी पिंस है, ज़ाहिर है सेफ्टी पिन तो बहुत अहम होती है ब्राइड के लिए, उसकी दुपट्टा सेटिंग के लिए। ये एक इलास्टिक का बड़ा रोल ही है, ये भी हर घर की ज़रूरत है। अच्छा, अब कुछ लेडीज़ के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये चीज़ें दिखाने का मकसद ये है कि जो औरतें घर बैठे बैठे बोर हो रही होती हैं, जो बाहर नहीं जा रही होती हैं शॉपिंग के लिए, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं लड़कियों के माइंड में कि हमें कौन सी चीज़ लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए, उन तो उनके क्वेश्चंस उनके माइंड क्लियर हो जाएंगे कि अच्छा हमें इस कंपनी की ये चीज़ ले लेनी चाहिए। और दूसरा ये कि विंडो शॉपिंग जो है ना वो औरतों का ऑल टाइम फेवरेट काम है, ठीक है। तो जिनको ये वीडियो अच्छी लगी हो वो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। अगर और इस तरह की वीडियोस चाहते हों तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट शॉपिंग हॉल भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग, और अगर आपको अच्छी लगी, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और बस इतना ही, अब तक के लिए इतना ही। आगे इंशाल्लाह और लेके आएंगे आपके लिए। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख़ास तौर पे ख्याल रखें, और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।